आदेश आदेश नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी वन काज में। फिर से हाजिर होकर नहीं जानक सदा भादो और कृष्ण नवमी के दिन गोगा जहरवीर महाराज जी का जन्म हुआ। गोगा जी की अरदास जाद करके प्रयोग, बागड़ वाले वीर की अरदास 7 बार पढ़ने से ही काम सिद्ध होते हैं। गोगा जहरवीर महाराज की अरदास लगाई कैसे जाती है? साधकों और भक्तों के अंदर ये लालसा रहती है कि गुरु ज्ञान के अनुसार मुझे अरदास कहीं से प्राप्त हो जाए। माँ को बताना चाहता हूँ, गोगा जी की अरदास गुरुमुखी अरदास होती है। ये आपको गुरु के मुख से प्राप्त होनी है। बिना गुरुमुखी अरदास आप ऐसे नहीं कर सकते। गुरु आदेश से चलोगे तो 100% वो अरदास आपकी कार्य करेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे गुरु को ज्ञान मिलता है, गुरु आगे चेलों को देता है, गुरु जी जो है वो चोला छोड़ जाते हैं, इसी प्रकार से चेला आगे उस प्रथा को कंटिन्यू रखता है, यानी कि आगे चालू रखता है, आगे आगे ज्ञान देता रहता है। गोगा जहरवीर महाराज जी की अरदास में आप लोगों ने सम्मान देना होता है, जिसमें कुल प्रथा के अनुसार कुछ लोग कढ़ाइयाँ देते हैं, कुछ लोग खीर का भोग लगाते हैं, कुछ लोग मिठाई का भोग लगाते हैं, कुछ लोग मिठाई खीर हलवा पूड़ी इसके अलावा झंडा भी चढ़ाते हैं गोगा जहरवीर महाराज की अरदास। अरदास का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब किसी नारी का बच्चा नहीं होता वहाँ पे अरदास लगती है, जिसको फल डालना बोलते हैं। सेकेंडली कंडीशन में क्या आता है, अरदास का प्रयोग वहाँ पे होता है जब किसी का विदेश का काम नहीं बनता है, कोर्ट कचहरी में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसका कार्य नहीं निकल रहा है, तब वहाँ पे अरदास का प्रयोग होता है। कंडीशन ये रहती है, जहाँ पे भी आप अरदास करोगे वो व्यक्ति सच्चा और निष्भावना वाला होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का पाप, ठीक है ना, और लोभ बोल सकते हैं, या किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। अरदास आपकी तभी कबूल ली जाएगी। ये अरदास का प्रयोग करते हुए गोगा महाराज जी के चरणों में आप लोग अरदास लगा देते हो, और गोगा जी की अरदास जो है वो गुरु चरणों में रहती है। इस अरदास का प्रयोग पूर्ण रूप से करके आप विभिन्न प्रकार के कार्य एवं क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चेला का उन्हें तो किसी के झांसे में मत फंसना। सभी धर्मों का आदर्श कारमान करते हो, व्यक्तिगत दायरे को ध्यान रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। गोगा जी की यह अरदास का प्रयोग करने से पहले गोगा जहरवीर महाराज की आपके पास कृपा भी होनी चाहिए, आपको उनका वो बोलते ना कि ज्ञान भी होना चाहिए, आपके ऊपर उनकी बोलते ना कि छत्र छाया बोल सकते हैं, कृपा दृष्टि भी होनी चाहिए, तब जाके आपकी अरदास कार्य करने लगेगी। इस अरदास को आपने कंठस्थ करना और पढ़ना चालू कर देना। ये अरदास गुरुमुखी है, इसलिए आपको मेरे मुख से ही लेनी